देखो बच्चों, ये अब इस पे पेस्ट हो गया है ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, अभी इस पे पेस्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो सर्किल जो थे वो इसमें पेस्ट करने हैं। तो ये सर्किल पे हम, सर्किल पे नहीं, इस पे ही लगाते हैं बॉक्स के ऊपर। ठीक है, हम ये बॉक्स के ऊपर फेविकॉल लगा रहे हैं चारों तरफ, नीचे की साइड भी लगा देते हैं कि सीडी अगर लग जाए ठीक से। तो आप ये देखिए, अभी हम इसको बिल्कुल सेंटर में अच्छे से पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही दूसरी वाली सीडी जो थी हमारी, वो हमें इधर से यहाँ से लगाकर पेस्ट करनी है। ठीक है, दूसरी वाली सीडी जो मैंने रेडी करी थी उसको भी मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। आप थोड़ा सा ध्यान रखना, दोनों साइड से देखकर एक सी लगे ऐसे आपको इसको लगाना है। ठीक है, सीडी नहीं है तो कार्डबोर्ड यूज़ करें। ठीक है, कार्डबोर्ड को कट करके बना सकते हैं आप आराम से, ये बहुत इजीली अच्छा बनने वाला और सुंदर दिखने वाला है। ठीक है, यहाँ तक हमारा रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, जैसे इसमें आपके नोज आईज ये सारी चीज़ें बनी हुई थी ना, ऐसे ही हम इसको अब डेकोरेट करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हमें टू आईज बनानी है ना। तो आईज बनाने के लिए क्या करेंगे, ब्लैक कलर के दो सर्किल लेंगे, तो इसके लिए मेरे पास ये पेपर है, जिस पेपर को मैं इसी डिब्बी से इसकी आईज कट कर लूंगी, है ना। तो मैंने ये एक डिब्बी ले ली है, उस डिब्बी से मैंने ये आईज ड्रॉ कर लिए हैं। ठीक है, तो मैंने ये ड्रॉ कर लिया और अब मैं इसको फोल्ड करके कट कर रही हूँ ताकि मेरे इसको एक साथ टू आईज कट हो जाए, है ना। तो मैं इसको अभी आपके सामने कट करके दिखाती हूँ, हम टू आईज कट कर रहे हैं। क्या कट कर रहे हैं हम, टू आईज। ठीक है, तो ये हमारी टू आईज कट हो गई हैं, है ना, ये टू आईज बन गई हैं। इसके ऊपर हमने दो वाइट कलर की डॉट्स और लगाई थी, तो वाइट कलर की डॉट लगाने के लिए हमें वाइट कलर का पेपर चाहिए, है ना। तो जो भी कोई भी पेपर यूज होता है आपके आपके पास होता है, उसी वाइट, उसमें से छोटा सा वाइट पेपर आप ले सकते हैं, है ना। तो मैं ये छोटा सा वाइट पेपर यहाँ से ले रही हूँ, छोटा सा वाइट पेपर। और इससे मैंने छोटी सी आईज बनाई है, है ना। तो ये हम डबल करके कट कर लेंगे और एक थोड़ी सी इससे बड़ी बना ली, तो इसको भी हम डबल कर कट कर लेंगे। तो अभी हम इसको डबल करके कट कर लेते हैं आई को, देखेंगे। ये छोटी वाली कट हो गई है और ये डबल करके बड़ी वाली कट हो जाएंगी। ये दो कट हो गई है, इस आई के ऊपर इनको चिपका देते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, ऐसे ही इसमें एक ऊपर। तो ये बड़ी वालों को हमने यहाँ चिपका दिया, ये इसको यहाँ, और ये छोटी वाली जो थी उनको हमने यहाँ लगा दिया। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, अब इसके ऊपर हमें इनको लगाना है।
तो आप देख लीजिए कि कहाँ पर आईज़ आपकी ठीक लगेंगी, किस जगह ये आईज़ होनी चाहिए, उस अकॉर्डिंग आप अपनी आईज़ को। एक्चुअली आईज़ ठीक नहीं लग रही है ना, तो ये आप देखो यहाँ पर होनी चाहिए, है ना। तो हम इनके ऊपर, इसके ऊपर ही फेविकॉल लगाते हैं आई के ऊपर, और ये आईज यहाँ पर हमने इसकी चिपका दी। अब ये दूसरी आई बना रही हूँ, दूसरी आई पर भी हमने लगा दिया है, है ना। और ये मैंने इसके ऊपर दूसरी आई लगा दी है, ठीक है। दोनों आई लग गई हैं। अब हमें आई लगाने के बाद इसमें क्या लगाना है, ईयर्स लगाने हैं। तो ईयर लगाने के लिए मेरे पास ये पेपर है, इससे मैं ईयर ड्रॉ कर रही हूँ। आप चलिए ऐसे करके पत्ती की सी शेप में दो कान, तो दो करने के लिए वही आप इसको, नहीं ये फोल्ड करके नहीं बन पाएगा, गलत बना दिया मैंने। चलो हम दोबारा कट कर लेंगे, पहले एक कट कर लेते हैं। और अब दूसरा कान कट कर लेते हैं इसको, इसके साथ ठीक है। इसको रख कर ही दूसरा सेम उसका कान मैंने कट कर लिया है, ठीक है। अब इस कान को थोड़ा सा हम डेकोरेट करेंगे। तो मेरे पास ब्राउन कलर का स्केच पेपर है, इससे मैं इसको ब्राउन कलर के स्केच पेपर से मैंने इसकी आउटलाइन कर दी है। आप भी इसकी आउटलाइन करें पहले। और बीच में से इसको कलर फिल कर दें इसमें, ठीक है। इस तरीके के कान बना लेंगे, ऐसे ही दूसरा भी बना लें। ये दोनों कान मैंने रेडी कर लिए हैं इसके। तो अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों कान लगा देंगे, है ना। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फेविकॉल लगाएंगे, और ये कान आप देख लीजिए कैसे लगाना है, है ना। यानी थोड़े से टेढ़े करके इन कान को लगाना है। ये मैंने देखो थोड़ा सा टेढ़ा किया है कान को, फिर मैंने इसको इस साइड में लगाया है ना। ऐसे ही आप ये दोनों कान लगा देंगे। ये देखिए ये आपके दोनों कान लग गए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें बनाने हैं इसकी फेस, नोज, ये सब चीज़ें। तो इसकी नोज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हल्का सा यहाँ से वी शेप सा लेके इसको आपको कलर डार्क कर देना है, ठीक है। ये हो गया इसका, ये ब्लैक कलर से हो गया। अब आप इसकी मूंछ टाइप बना दीजिए, है ना। ये इसका हमने मूंछ जैसा बना दिया है ना। अभी ब्राउन कलर का स्केच लेके यहाँ पर इसके हल्के से कर दिया है, ये कर दिया है, ये और ये इस तरीके से ये करता है, ठीक है। ये आपका देखिए क्या रेडी हुआ है, पेन स्टैंड। अभी देखो इसमें हम एक और चीज़ भी कर सकते हैं, मैं आपको हाथों हाथ बता ही देती हूँ।
कि ये जो ये तो मैंने एक साइड से कंप्लीट कर दिया, आप चाहें तो दूसरी साइड से दूसरा चीज़ बना सकते हैं, यानी हम इसमें कुछ और भी रेडी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ कि मैं सोच रही हूँ यहाँ पर मैं एक चश्मा बना दूँ, है ना, तो वो एक इमोजी वाला, या फिर मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि रेड कलर का पेपर लेके दो हार्ट बना दूँ इस पर, है ना, और कुछ स्माइली बना दूँ तो वो दूसरा वाला फेस बन जाएगा, या फिर हम कुछ और तरीके से भी बना सकते हैं। तो मैं इसमें क्या कर रही हूँ, चश्मा बना रही हूँ, है ना। चलिए मैं एक हल्का सा नाप ले लेती हूँ इसका, तो मुझे कितना बड़ा चश्मा बनाना है, एक मैंने इसको फोल्ड कर लिया है, मैं इसका चश्मे की शेप में इसको कट कर लेती हूँ, ठीक है। हम इसको इमोजी वाली स्टाइल में भी बना सकते हैं, है ना। ये मेरा चश्मा थोड़ा सा अलग लग रहा है, तो मैं इसको यहाँ से और कट कर देती हूँ, तो ये चश्मे वाली शेप में आ गया ना चश्मा, मैंने इसको चश्मा पहना दिया। तो अभी मैं इसके यहाँ पर फेविकॉल लगा रही हूँ, ये है मेरा टशन में चश्मा लगा के इमोजी, मेरी क्या लगा दिया उसने, चश्मा लगा दिया। और मैं इसका फेस जो है वो स्माइलिंग दिखा सकती हूँ, चश्मा लगा के। आप चाहें तो छोटा सा हार्ट यहाँ बना सकते हैं, ऐसे करके उसमें कलर कर दीजिए, ये स्माइल बनाइए उनकी, देखिए आप चाहो अगर आप चाहें तो और छोटे छोटे दिल हार्ट जो हैं वो इसमें कहीं कहीं बना सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे डेकोरेट कर सकते हैं, है ना, जैसे आप चाहें आप वैसे बना सकते हैं। मैंने बहुत सारे हार्ट बना दिए, ये मेरा यहाँ पर खाली खाली लग रहा है, ये मेरा गुस्सा वो बन गया है, यानी मैंने जो पेन स्टैंड बनाया है वो एक साइड से तो ऐसा दिखता है और दूसरी साइड से ऐसा दिखता है, तो आप जैसा भी चाहें वैसा इसको बना सकते हैं, है ना। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है, अब आपको मुझे सैटरडे तक ये भी और जो मैंने दूसरा आपको विंड चेन सिखाया है वो भी, दोनों चीज़ें बनाकर फोटो खींच के और वीडियो बना के मुझे दिखाएंगे आप कि आपने क्या और कितना सुंदर बनाया। बाय बाय।